العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير رواه البخاري. اور انہی راویہ سے یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، کہتی ہیں توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی جبکہ آپ کی زرہ، لوہے کی زرہ، اس سے پہلے والی حدیث میں آیا ہے درعا لہ من حدید، تو وہ درعہ ان کی زرہ یعنی لوہے کی زرہ، وہ درعہ مرہونۃ، جبکہ آپ کی زرہ رہن میں رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس، بثلاثین صاعا من شعیر، تیس صاع جو کے عوض میں، تیس صاع جو آپ نے لیا تھا ایک یہودی سے، اور اس کے بعد اس کی جو قیمت دینی تھی تو قیمت آپ کے پاس نہیں تھی، تو آپ نے اپنی زرہ اس قیمت کی جگہ پہ رہن رکھ دیا تھا کہ یہ تیس سا آ جاؤ میں لے لیتا ہوں اور اس کی قیمت ابھی نہیں دے رہا ہوں، تب تک کے لیے یہ زرہ رکھ لو تم. تو آپ نے زرہ رکھی رہن، اردو میں کہتے ہیں گروی رکھنا، تو یہ فعل جائز ہو گیا، فعل نبی سے جواز ثابت ہوا. یہ حدیث فعلی ہے، حدیث قولی آپ نے پڑھا ہوگا تحصیل علوم الحدیث میں، اور حدیث فعلی، حدیث تقریری اور حدیث وصفی، یہ حدیث فعلی ہے. آپ راہن ہوئے اور یہودی مرتہن ہوا، اور یہ آپ کا فعل رہن، اس کا جواز ثابت ہوا بخاری شریف کی اس حدیث سے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، یہ آپ مکثرین صحابہ میں ہیں، 5374 حدیثیں آپ سے منقول ہیں، ذخیرہ حدیث میں صحابہ میں سب سے زیادہ روایتیں آپ ہی سے منقول ہیں، حدیثیں آپ ہی سے منقول ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الزہر یرکب بنفقتہ بنفقتہ، سواری، الزہر کے معنی یہاں سواری، سواری پر سوار ہوا جاتا ہے اس کے نفقے کے ساتھ، اس کے خرچ کے ساتھ، اذا کان مرہونا، جبکہ سواری رہن میں رکھی ہوئی ہو. غلہ خرید لیا ایک کنٹل، پیسہ دینا ہے، پیسہ نہیں ہے، تو رہن میں رکھ دیا، کیا سائیکل رکھ دیا رہن میں، الزہر. تو اب یہ اس پر اس کو جو ہے رہن میں رکھ دیا ہے، تو الزہر یرکب بنفقتہ، یہاں سائیکل پہ تو کوئی خرچ نہیں ہے، اس لیے
मोटरसाइकिल कह दीजिए, या घोड़ा ऊंट वगैरह कर लीजिए, जिसको खिलाना पिलाना पड़ेगा। मोटरसाइकिल पे तो पेट्रोल डीजल डालना है, 95 रुपया लीटर हो गया है मोदी सरकार में, तो सवारी यानी घोड़ा रहन पे रख दिया। तो अब वो आदमी क्या करता है, जिसके यहाँ है तो खाएगा ना कुछ, रहन पे तो रख दिया ये चला आया, तो अब वो उस पर जो खर्चा करेगा तो उसके बदले में सवारी कर सकता है, वो रहन से जो है इस तरह अपने नफ़े के एवज में सवार हो सकता है। वलबनु दर्री युश्रबु बिनफ़क़त ही, और जानवर का दूध, अदर्रु लबनु दर्री, उस शय का उस जानवर का दूध पिया जा सकता है, बिनफ़क़त ही उसके खर्च से, इदा काना मरहूनन, जबकि वो रहन में रखा हुआ, जबकि वो रहन में रखा हुआ हो, रख दिया गाय रहन पे रख दिया। अब उसके बाद उसके यहां रहेगी तो खाएगी ना, तो अब उसके यहां जो दूध है गाय का दुहेगा, तो उस खर्च के एवज में उसको पी सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। वह अलल लदी यरकबु वयशरबु अन्नफ़क़त, और उस शख्स पर जो सवार हो रहा है और दूध पी रहा है, उसी पे उसका नफका है, उसी पे उसका नफका है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको नकल किया है कि अगर रहन में ऐसा जानवर रखा जाए जिस पे खर्चा लगता है तो उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। उससे फ़ायदा इस तरीके से उठाएंगे कि जिस काम में है उससे दूध मिलता है तो उसका दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर उसको चलाया जाता है, सवारी की जाती है, तो सवारी की वजह से आदमी उससे मुस्तफीद हो सकता है। रवाहुल बुखारी, जो इमाम बुखारी ने इसको नकल किया है। लेकिन यहाँ पर मसला लिखा हुआ है कि जिस आदमी के पास रहन रखा हो वो मुर्तहिन कहलाता है, तो रहन से वो इस्तेफादा नहीं कर सकता। हिदाया जो हनाफ की किताब है, आप पढ़ते भी होंगे, तो उसमें यह है कि रहन से इस्तेफादा जायज नहीं है अहनाफ के यहाँ। तो यहाँ ये कैसे इस्तेफादा कर रहा है, तो कह रहे हैं कि हिदाया ही की बात सही है, और ये पहले था और अहनाफ के यहाँ ये हदीस मनसूख है, इस हदीस पे अमल नहीं होगा। अल फसल उस्तानी अब यहाँ से शुरू हो रही है। मसला अहनाफ के यहाँ यही है, और हदीस से जो मसला निकल रहा है वो समझ में आ गया कि फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन ये पहले था, यह हदीस मुकद्दम है, बाद में रहन से फ़ायदा उठाने वाली ममनू हदीस, मना करने वाली हदीस आई, वो हदीस नासिख हो गई और यह हदीस मनसूख हो गई। हिदाया में अहनाफ का यही मसला लिखा हुआ है। और कौन सी हदीस है नस्ख करने वाली, नासिख कौन सी है, तो अल-फ़स्ल उस्सानी में एक हदीस जिक्र कर रहे हैं, यही हदीस नासिख है। अन अल-फ़स्ल उस्सानी अन सईद इब्न अल-मुसय्यिब रहिमहुल्लाह अन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला ला यगलक अर-रहन अर-रहन मिन साहिबिही अल्लज़ी रहनहु लहु रहनहु लहु गुल्मुहु व अलैहि गुर्मुहु। رواه الشافعي مرسلا وروى مثله او مثل معناه لا يخالفه عنه عن ابي هريره متصلا حضرت سعيد بن المسيب تابعي سے منقول ہے اور صحابی یہاں ہے نہیں
तो यह हदीस हदीस मुरसल कहलाएगी और इस हदीस का दर्जा जो है मुरसल की वजह से कम होगा। लेकिन दूसरी जगह यह क्या है, मुरसल नहीं है बल्कि मुत्तसिल है, तो फिर यह मुरसल भी मुत्तसिल के हुक्म में हो जाएगी और फिर यही हदीस पहले वाली हदीस के लिए नासिख हो जाएगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रहन रहन को उसके साथी से, जो रहन रखा है तो उसके साथी से रोकता नहीं, गलक यगलक मना करना रोकना, ला यगलक रहन रहन मिन साहिबिही अल्लज़ी रहनहु, कि रहन रहन को उसके साथी से जिसने उसको रहन रखा है यानी राहिन मुर्तहिन के पास रखा है तो ये उसको रोकता नहीं। मतलब ये है कि जिसने अपना सामान रहन रखा है तो ये सामान उसकी मिल्कियत में रहेगा जिसने रखा है, मिल्कियत से नहीं मना करता कि ये उसके पास चला गया तो जो कीमत है कीमत की एवज में वही जो है उसको वही मुजरा कर ले कि मुझको कीमत मिलनी चाहिए, मिल दे नहीं रहा तो उसकी जगह पे वो है, तो इसकी मिल्कियत से निकल के उसकी मिल्कियत में नहीं जाता। रहन क्या है, रहन को रहन रखना, रहन को उसके साथी की मिल्कियत से नहीं रोकता यानी इसी की मिल्कियत बाकी रहती है। लहू गुनमुहू, इसी के लिए उसका फायदा है, यानी अगर गाय रख दिया है तो चूंकि गाय इसी की है तो उसका दूध राहिन ही का है, राहिन ही की मिल्कियत चूंकि है वो, तो जिसकी मिल्कियत तो जाहिर सी बात है कि दूध उसी का रहेगा। बकरी है कहीं भी दूध दे दे, अंडा है किसी मुर्गी का कहीं भी अंडा दे दे, तो कैसे लोग क्या करते हैं, वो अंडा उसको पहुंचाते हैं, तो खैर वो तो आम ऐसे रहता है। लेकिन वही मिसाल है कि चूंकि जानते हैं उसकी मिल्कियत है, ऐसे यहां भले से रहन रखा हुआ है वो सामान लेकिन मिल्कियत किसकी है, राहिन की। तो जब दूध दिया तो मिल्कियत वाली शय ने दूध दिया तो वही दूध भी उसका होगा, तो उसी को अल्लाह के रसूल ने फरमाया लहू गुनमुहू, इसी राहिन के लिए उसका फायदा है, वह अलैही हुर्मुहू, और इसी राहिन पर उसका खर्चा है, जो चारा खा रही है गाय या ऊंट या ऊंटनी और उसको रहन पर रखा है तो मुर्तहिन के ऊपर उसका खर्चा नहीं है बल्कि राहिन के ऊपर ही उसका खर्चा है। तो देखो यह हदीस, इस हदीस ने बता दिया कि असल राहिन है उसका जिम्मेदार और मुर्तहिन के पास सिर्फ है तो उससे इस्तेफादा नहीं कर सकता। तो यह हदीस क्या हो गई, पहले वाली हदीस के लिए नासिख हो गई। लेकिन मुरसल ये कमज़ोर है और बुखारी मजबूत, तो कमज़ोर रिवायत मजबूत रिवायत को मनसूख नहीं कर सकती। तो बताया है आगे कि हजरत अबू हुरैरा से ये रिवायत मुत्तसिलन आई हुई है तो मुत्तसिल हो गई, लिहाजा जब मुत्तसिल हो गई तो फिर उसी तरह उसी का दर्जा हो गया, अब नासिख बन सकती है। और नासिख रिवायत मुतअख्खिर होती है, मनसूख रिवायत मुतकद्दिम होती है, पहले होती है, तो पहले वो है इसलिए मनसूख है। वरव शाफ़ियु रवाहु शाफ़ियु मुरसलन, इमाम मोहम्मद इबन इदरीस अश्शाफ़ी ने इस रिवायत को हज़रत सईद इबन मुसैब से नकल किया है बग़ैर सहाबी के तज़किरे के, यानी मुरसलन। वरवा मिसलहु और मिसल मअनाहु, और नकल किया है इमाम शाफ़ी ने इसी तरह, यानी इसी तरह बिल्कुल इसी लफ्ज के साथ, और मिसल मअनाहु या इसके माना की तरह, यानी माना यही है, अल्फाज बदले हुए हैं। ला युखालिफुहु अन्हु, तो इसके मुखालिफ नहीं है, किससे नकल किया है, हजरत अबू हुरैरा से। तो हजरत अबू हुरैरा सहाबी हो गए, उसके बाद उनके बेशुमार शागिर्द सईद इब्न मुसैब भी शागिर्द हैं, तो अब ये ताबिई हैं, लिहाजा ये रवायत क्या हो गई, मुत्तसिल हो गई। अन अबी हुरैरा मुत्तसिलन, हजरत अबू हुरैरा से नकल किया है मुत्तसिलन, लिहाजा ये मुत्तसिल जब हो गई तो मजबूत हो गई, मजबूत हो गई तो ये नासिख हो जाएगी।
इसमें बताया कि रूविया बाद लोगों ने पढ़ा है, लेकिन रवा पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर मिथलहू और मिथल मानहू को हालत नसबी में पढ़ा जाएगा। अब इसके बाद वह अन इबन उमर वाली हदीस है, हजरत अब्दुल्ला इबन उमर रदी अल्लाह अनहु से मनकूल है। वह अन इबन उमर रदी अल्लाह अनहुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मिकियाल मिकियाल अहलिल मदीनति, माप बाशिंदगाने मदीना की माप है, मापने का पैमाना मोतबर, अल मिकियाल मोतबर मोतबर मापने का पैमाना मदीना वालों का पैमाना है, वल मीज़ानु मीज़ान अहल मक्का, और तौलने का मोतबर पैमाना मक्का वालों का पैमाना है, और तौलने का मोतबर पैमाना अल मीज़ान अल मोतबर मोतबर पैमाना मक्का वालों का पैमाना है। रवाहु अबू दाऊद व नसाई, इमाम अबू दाऊद और इमाम नसाई ने नकल किया है। इस हदीस से पता चल रहा है कि मक्के में इसी तरह मदीने में मुख्तलिफ पैमाने चलते थे, कम मकदार के ज़्यादा मकदार के। तो हुजूर ने यह हदीस बयान फरमाई कि अगर वज़न करके बेचना है, मदीने ही में माल लिया वज़न करके बेचना है, तो मदीने में तो ज़्यादा माप चल रहा है, पैमाना चल रहा है, लेकिन अगर तौल करके बेचना है तो मक्का वाला यहाँ भी मोतबर होगा, मक्का वाला जो मक्का में चलता है। और अगर मक्के में माप करके बेचना है तो मक्के वाले मक्के में ज़्यादा वज़न चलता था, लेकिन अगर माप कर बेचना है तो मिकियाल कैल वाला जो कैल करके बेचना है, तो जो कैल के लिए पैमाना इस्तेमाल होता है मदीने में वो वाला यहाँ मोतबर है, क्योंकि एक जो है क्राइटेरियन मुकर्रर होना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल ने एक जो है मेयार मुकर्रर कर दिया, क्राइटेरियन मुकर्रर कर दिया कि मिकियाल मदीने का चलेगा और वज़न और तराजू मक्के का चलेगा। बस वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.